तो मैंने कहा कि सारे साधन अनुकूल हो जाए, और फिजूल खर्ची आपके पास नहीं है। दूसरा साधन है धन, धन हमारा घटता है, क्षय होता है उसका फिजूल खर्ची के कारण। सारे लोग कबीर विचार मंच के सामने आकर ये सूझ लें, बूझ लें, समझ लें, जितनी अनावश्यक आवश्यकताएं हैं जिसके बिना हमारा जीवन सही ढंग से चल सकता है, वो अनावश्यक आवश्यकता है। बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट, जर्दा, पान, चाय, शराब, गुटखा, गुराखू, जितनी सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य के घातक चीज़ें हैं, इसको छोड़ देने से हमारा जीवन सही चलेगा। हो सकता था खर्ची करते, तो मैंने कहा सारे लोग नशा दुर्व्यसन संबंधी अनावश्यक खर्चों से अपने आप को बचाएं। हमारे देश के हर आदमी की आर्थिक व्यवस्था सही होगी यदि सारी अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़ देते हैं, सारी फिजूल खर्ची को छोड़ देते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं कि दाल चावल साग सब्जी खा करके आज तक हमारे समाज में कोई बर्बाद नहीं होता। दाल चावल साग सब्जी खा कभी कोई बर्बाद हुआ ही नहीं, बर्बाद हुआ है तो थोड़े से उसके सूत्र हैं, द्युतं च मद्यं किसितं च वेश्या, जुआ खेलने से बर्बाद हुआ है, मद्यं शराब पीने से बर्बाद हुआ है, मांस खाने से बर्बाद हुआ है, वेश्यावृत्ति करने से बर्बाद हुआ है। काल्पनिक प्रसंग है, किसी ने पूछा लक्ष्मी से, लक्ष्मी तक्ष्मी कुछ होता नहीं है, कोई है नहीं, काल्पनिक देवी लक्ष्मी है। उससे लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी माँ तुम कहाँ रहना चाहती हो, कहाँ नहीं रहना चाहती हो? लक्ष्मी ने कहा कि द्युतं च मद्यं किसितं च वेश्या, जहाँ चार आदतें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जुआ, दूसरा मद्य माने शराब, तीसरा किसित कहते हैं संस्कृत में मांस को, मांस खाना, और ऐन्द्रिक लंपटता वेश्यावृत्ति, ये चार चीज़ें रहाँ रहती हैं, वहाँ से मैं बुढ़िया वस्त्र बांध कर चल देता हूँ। शराबी के पास लक्ष्मी नहीं जाती, जुआरी के पास लक्ष्मी नहीं रहती। अब मांसाहार करना तो घोर अधर्म है, ये मांस कहीं पेड़ में फलता नहीं है, कटहर बरहर की तरह, आलू और गाजर की तरह मिट्टी से निकलता नहीं है। जब तक किसी बैल, बटेर, घोड़े, गधे को मारोगे नहीं तब तक मांस बनेगा नहीं। समग्र शास्त्रों में वर्णन है कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है। वहां तो धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी ने कहा जुआ खेलने वालों पास में नहीं रहता, शराब पीने वालों पास में नहीं रहता। बड़े बड़े शराबियों को मैंने देखा है। हमारे पटने में एक नवाब नाम जादव था, बेचारा नवाब नवाब कहता था उसको, उसको लत लग गई शराब पीने की, जुआ खेलने की। सच्ची बात मैं बताऊंगा आपसे, नवाब यादव परिवार का सिरमौर, जुआ और शराब के चलते इतना बर्बाद किया अपने आप को, उसके बच्चे सब भीख मांगते। जुआ और शराब के लपेट में उसने अपने जीवन को संपूर्ण समाप्त कर दिया। उनके बच्चे लोग भीख मांगते थे दाने दाने के। अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत रखना चाहते हैं, संयम से जिए। अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहते हैं, सारी फिजूल खर्ची छोड़ दें। सारे लोग
अभी एक आदमी आया हमारे पास, कितना ना समझ लोग हैं हमारे यहाँ, जय सिंह यादव है बेचारा, पशु चिकित्सक है, हर वक्त फोन आते रहता है आश्रम से। उसने गया वो इसी वर्ष, उसने जाकर के वो क्या किया, दीपावली में क्या होता है, वो फटाका फोड़ दिया वो, उनकी तुम इतने गंवार आदमी हो गई, वो फटाका को फोड़ दिया और यहाँ से लेकर के समूचे चमड़ा और मांस गल करके नीचे गिर गया। उसका हाथ देखने में इतना विभत्स लगता है, एकदम सफेद सफेद चमड़ा है, चरक रोग की तरह। अभी एक आदमी हमारे पास आया यहाँ, हम क्या आँख झाँप कर चलते हैं, इसने बैठा हुआ कहीं बेचारा, कहा कि हाँ साहब दीपावली में पड़ाका फोड़ा लोग, उस बारूद का कण आकर के आँख में लग गया, आँख साफ हो गई, आँख मारी गई उसको, करोड़ों करोड़ रुपए ये पड़ाका फोड़ने में हिंदुस्तान के अभागे बुद्धिहीन लोग खर्च करते हैं, क्या फायदा उससे, ध्वनि प्रदूषण होता है, इतने पड़ाके फोड़ते हैं कि हम खिड़की केवाड़ी बंद करके कुर्सियाँ बंद हो जाते हैं, फिर भी सब सुबह देखते हैं नाक में कपड़ा डालते हैं तो नाक में काला काला लग जाता है, फायदा, फायदा नाम की कुछ चीज नहीं है। अच्छे अच्छे समझदार लोग, बड़े मियाँ बड़े छोटे मियाँ, छोटे बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह, एक धनी का आदमी है, सांसद, उसके घर पर से आवाज़ निकला, मालूम पड़ा एकदम धरती हिल गई, उनकी ये कौन है भाई, उनके सांसद जी का बच्चा फोड़ रहा है, जो जितना बुद्धिमान है उतना मूर्ख मालूम पड़ता है, ये पड़ाका फोड़ने का काम ऐसा मूर्खतापूर्ण कोई काम नहीं, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायुमंडल विकृत होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, पैसे खर्च होते हैं, लाभ कुछ नहीं, सब जगह समझ की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हो, दूसरा तीसरा साधन धन है, धन को सुरक्षित रखना चाहते हो, देखो धन बहुत बढ़िया चीज है, सदगुरु कबीर साहब ऐसे विरक्त बड़े संत कहते हैं कि द्रव्यहीन कैसन पुरुषार्थ मन ही ना तनाही, धन के बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता है। धन के तीन रूप हैं, भोजन भवन वसन, इसके बिना किसका काम चलेगा, शरीर है तो भोजन चाहिए, शरीर है तो वसन माने कपड़े चाहिए, शरीर है तो रहने के लिए भवन चाहिए मकान चाहिए, बिना धन से नहीं होगा। इतना विशाल पंडाल का वितरण किया है हमारे आदर स्वरूप जी ने, बिना धन से नहीं हुआ है। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र आया है, बच्चे लोग बजा रहे हैं, दूर दूर में सब लोग बैठे रहते हैं और आसानी से सबकी बातों को सुन रहे, बिना पैसा से तो नहीं आया, तमाम कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सब पैसे तो लगे हैं, प्रकाश की इतनी व्यवस्था है, बिना पैसा से तो नहीं हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक अखंड भोजन की पंक्ति लगी रहती है, अद्भुत व्यवस्था है भठली गांव का, भठली तठली हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन से मेरा विचार है कि इतने अच्छे विचार के लोग जहाँ हैं उस गांव को भठली कैसे कहता है। एक गांव है जो हमारा पैतृक गांव है, उसका नाम था गोबरगढ़, उसको बदल करके हमने गौरवगढ़ कर दिया, यहीं बगल में यादवों का गांव है, यहाँ जमींदार और विद्वान लोग रहते हैं, कन्हेली गांव का नाम, हम कैसे से धनवान आप लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, नाम है कन्हेली, तो कन्हेली को बदल करके हमने श्री कृष्ण नगर कर दिया, ऐसे ऐसे गांव को नाम को हम बदल देते हैं, भठेली भी हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, इतने अच्छे विचार के लोग यहाँ रहते हैं, गाँव का नाम भठेली। मैं तो वकील साहब से कहूँगा कि मैं नाम बदल कर देखता हूँ, असौसे गांव में सूचना पट लगा दीजिए, भारत सरकार में चल जाए। तो मैंने कहा कितना अच्छा प्रबंध,
वकील साहब ने हमसे कहा, साहब सुबह से शुरू हुआ है अभी तक भोजन की पंक्ति बंद नहीं है, बिना पैसा से होगा क्या? तो पैसे खर्च हुए तब इतनी अच्छी व्यवस्था है। सारे संत गुरुजन लोग आए हैं दूर दूर से, देखिए मध्य प्रदेश से, हमारे बगल में बैठे संत श्री सजीवन साहब जी अयोध्या इग्नाम है कटिहार कबीर आश्रम से, बगल में बैठे जो सभा संचालक हैं बहुत दूर से तो नहीं आए हैं, फिर भी दूरे से आए हैं, सदगुरु कबीर स्नेही धाम रामपुर तिलक पूर्णिया से, दूर दूर से संत गायक भजनोपदेशक आए हैं, सबको भोजन है, विदाई है, सम्मान है, समय से सवेरे से जलपान है, कहीं से कोई व्यवस्था में त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती है, सब अर्थ से होता है। सुखी जीवन जीने का तीसरा साधन धन है। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि धन आदमी का बाह्य प्राण है, शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है, बाहर में धन नहीं हो तो विकास का एक काम नहीं हो सकता है। विकास के लिए धन की आवश्यकता है और धन की सुरक्षा सारे लोग फिजूल खर्ची छोड़ देते हैं। धन जुआ खेलने के लिए नहीं है, धन शराब पीने के लिए नहीं है, धन व्यभिचार करने के लिए नहीं है, धन ले करके दे करके दूसरे की गर्दन काटने और कटवाने के लिए नहीं है, धन है दूसरे की गर्दन की रक्षा करने के लिए, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जरूरतमंदों को सहयोग के लिए। दूसरा साधन धन है, धन को फिजूल खर्ची से बचाइए। सबकी आर्थिक व्यवस्था अनुकूल रहे, सब आदमी सुखी रहेगा, बढ़िया से खाएगा पिएगा, मकान बनाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा, धन आवश्यक काम में जाएंगे। तो प्रथम साधन शरीर जो स्वस्थ रहेगा संयम से, दूसरा साधन धन वो सुरक्षित रहेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी फिजूल खर्ची के त्याग से, अनावश्यक आवश्यकताओं के त्याग से। तीसरा साधन जन, जन सही रहेगा प्रेम से, श्रद्धा से, स्नेह से, इस साधनों की अनुकूलता में सुख है। मेरा शीर्षक क्या था, सुख क्या है? सारे लोग सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, सारे लोगों के जीवन की मांग सुख है, सोचते नहीं है कि सुख है क्या। उसी का मैंने स्पष्टीकरण किया, सुख है साधनों की अनुकूलता। शरीर प्रथम साधन है, शरीर अनुकूल रहे, स्वस्थ रहे, सबल रहे। दूसरा साधन धन है, आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहे। तीसरा साधन जन है, जन जो साधन है उसके बहुत से सूत्र हैं अनुकूल बनाए रखने के लिए। श्रद्धा से अनुकूल रहेगा, प्रेम से अनुकूल रहेगा, प्यार से और स्नेह से अनुकूल रहेगा। तीसरा साधन जन है और इस साधनों की अनुकूलता में 2 मिनट में एक बात कह दूँ कि साधनों की अनुकूलता में सुख है। एक और सूक्ष्म मांग हम लोगों के हृदय गहर में है कि सब कुछ मिल जाता है, अनुभव किए होंगे कितना ही धन मिल जाए तो क्या है, भीतर से थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, जितना मिलता जाएगा साधन भीतर से आवाज आएगी थोड़ा और, वो और की ध्वनि समाप्त कहाँ होगी? कोई कारण रह गया है कि धन जितना मिल जाए थोड़ा और, बच्चे जितने हो जाए थोड़ा और,
जन सहयोगी जितने मिल जाए उतना और की ध्वनि भीतर से आती रहती है, वो और की ध्वनि शांत कहाँ होगी? शांति में। और शांति कब आएगी? साधनों की अनुकूलता में सुख और साधनों की असंगता में शांति। ये शरीर से असंग हो जाइए, जो शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर जड़ है, विजातीय है, नाश रंग नहीं छूटेगा। शरीर छूट गया, सारे संबंध शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो धन कहाँ जाएगा? धन का संबंध तो शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी का संबंध भी शरीर के साथ है। सारे के सारे समाज परिवार का संबंध शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो सारे संबंध छूट गए। इस साधनों की असंगता में शांति है, क्योंकि आपका ये स्वरूप है, ये चेतन है, ये असंग है। भगवती श्रुति कहती है असंगो हयम पुरुषः, अयम पुरुषः स्वरूपेण असंगः। स्वरूप से आत्मा असंग है, तो असंगता में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सारे संग छूट जाते हैं, सारे साधन छूट जाते हैं। हम असंग होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो वहाँ शांति मिलती है। थोड़ा निवेदन मैंने आप लोगों के सामने किया कि सारे लोगों की मांग है सुख, चाह है सुख, ये सत्संग मार्गदर्शक है। आपकी चाह है सुख मिले, उसी चाह के अनुकूल राह देने वाला काम सत्संग करता है। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए सुझाव सत्संग देता है। सत्संग से सुझाव मिलता है, सत्संग से समझ मिलती है। हमारा भौतिक जीवन सुखमय कैसे होगा? साधनों की अनुकूलता में। आध्यात्मिक जीवन अखंड शांतमय कैसे होगा? असंगता में। यही दो बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा करके एक बार पुनः परम प्रिय महंत आदर्श स्वरूप जी बड़ा परिश्रम किया है बेचारे, भटवली के गांव के लोगों ने जहाँ तक बना है तन मन धन से सहयोग किया। सारे लोग जहाँ के तहाँ भोजन पंडाल सत्संग पंडाल सब जगह खड़े हैं कूटे की तरह, वहाँ ही कोई बिगाड़ नहीं है। और दूर गांव के टोले मोहल्ले के लोगों ने जो इस सत्संग में सहयोग किया है, समझ लीजिए सत्संग करना और करवाना दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ है। सभी लोग याज्ञिक हैं, सत्संग सबसे पवित्र यज्ञ है, भगवान कृष्ण ने कहा। ये सत्संग का आयोजन हुआ जिनने संकल्प लिया आदर्श स्वरूप जी ने, उस संकल्प को कार्य रूप देने में दीन तमाम लोगों ने, भाई बहनों ने तन मन धन से सहयोग किया। सभी भाई बहनों के प्रति अटूट आशीर्वाद, धन्यवाद, शुभकामना कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सबल रहें, धन संपदा संपन्न रहें और ऐसे ही कार्यक्रम समय समय पर करते रहें, अपना और सुंदर सब समाज का निर्माण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। बोले सतगुरुदेव की जय। आप सब कैसे रहेंगे?